Hello dear students, a very good day to all of you. We will start our day with the COVID pledge. I, Reena Verma, commit to be vigilant and always bear in mind the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I always want to follow the COVID instructions like wear mask, keeping social distance and washing my hand gradually at regular interval of time so that I myself and my friends can stay away from this chronic disease. I hope all of you are staying home safe from this chronic disease and following the key instructions as told by your parents and teachers, like wearing mask, keeping social distance and washing your hand gradually at regular interval of time. Now we will resume with our chapter, that is chapter number 2, regarding Egyptian civilization. We have completed up so far to the point, that is art and craft. Now we will begin with the trade and commerce. During Pharaoh time, Egyptian trade goods with different cities, town, even neighboring countries. इस टाइम में इजिप्शियंस जो है आसपास के टाउन्स के साथ, आसपास के अदर सिटीज़ के साथ और दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी गुड्स ट्रेड का जो बिजनेस करना स्टार्ट कर चुके थे. और उस चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या था बच्चे? नाइल रिवर. नाइल रिवर के थ्रू वो ट्रांसपोर्टेशन करते थे या उसके आसपास ब्रिज बना के अपने गुड को ट्रांसपोर्ट करते थे. और इसके अलावा कैमल, म्यूल्स एंड डोंकीज का भी इस्तेमाल किया जाता था. बार्टर सिस्टम यानी कि ट्रेड के लिए एक्सचेंज सिस्टम को यूज़ किया जाता था. और ट्रेड किस चीज़ का होता था? गोल्ड, पपायरस, लिनन, ग्रेन एंड आर्टिफैक्ट्स. और उसके बदले में लिया क्या जाता था? सीडर वुड, आइवरी, कॉपर एंड गोल्ड एंड आयरन. उसके पास आ जाते हैं बच्चे रिलीजन एंड कल्चर. इजिप्शियन अलग अलग गॉड्स को मानते थे. जैसे उनका सन का गॉड होता था रॉ, क्रिएटर गॉड को बोलते थे वो अमोन, जिसको कि हम ब्रह्मा बोलते हैं. देन देयर इज ओसायरिस. ओसायरिस कौन था? द गॉड ऑफ डेथ. ठीक है, हर गॉड जो है उसको अलग अलग टेम्पल दिया जाता था और एक से ज़्यादा डेटी को भी एक टेम्पल में माना जाता था. इजिप्ट के लोग मरने के बाद की जिंदगी पे बहुत विश्वास करते थे, तो उन्होंने ममीफिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया. अब ममीफिकेशन क्या होती है बच्चे? जो लोग मर जाते थे उनको केमिकल्स, स्पाइसेस और अदर मेडिसिंस के साथ कपड़ों की स्ट्रिप में रिवॉल्व करके या बांध के रख दिया जाता था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी प्रिजर्व हो जाती थी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ममीफिकेशन. और जिस बॉडी को इस तरह से प्रिजर्व किया जाता था उसको हम बोलते हैं ममीज. दोज डेड बॉडीज आर कॉल्ड ममीज. अभी मॉडर्न वर्ल्ड में इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? फर्स्ट इज राइटिंग. इन्होंने हायरोग्लिफ्स राइटिंग स्टार्ट की और इनकी राइटिंग स्टार्ट होती थी पिक्टोरियल वे में, यानी कि पिक्चरल वे में होती थी. और ये लिखते थे राइट टू लेफ्ट. पिक्टोरियल ग्राफ में ये कर्सिव हायरोग्लिफ्स और हेराटिक दोनों चीज़ों का जो है स्क्रिप्ट्स में इस्तेमाल करते थे. देन केम साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी. इजिप्शियन जो है एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी स्ट्रांग थे. दे यूज सोलर कैलेंडर. उनका वन ईयर होता था 360 डेज का, 12 मंथ्स का. हर मंथ में 30 डेज होते थे और हर डे में 24 आवर्स होते थे. और हर साल वो 5 दिन रखते थे त्योहारों को मनाने के लिए. जो पुराने इजिप्शियन लोग हैं वो बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे, यानी कि उन्हें एस्ट्रोनॉमी की बहुत नॉलेज थी. वो स्टार की मूवमेंट के साथ प्लैनेट्स को देख के बता सकते थे, फ्लडिंग के बारे में बता सकते थे, ठीक है, जो नाइल रिवर में आ सकता था. इसके अलावा वो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की भी प्रेडिक्शंस कर सकते थे. अब मेडिसिन फील्ड में ममीफिकेशन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि व्हाट आर द ममीज. ठीक है, ममीज जो है थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले बनाई गई, वो आज भी हमें बहुत अच्छे हालात में मिलती हैं. उनको अलग अलग डिजीज़ के बारे में पता था. दे नो अबाउट डिफरेंट डिजीज एंड देयर क्योर्स. और जो प्रीस थे वो डॉक्टर्स भी होते थे, जो कि मैजिक स्पेल और नेचुरल मेडिसिन दोनों का इस्तेमाल करते थे लोगों की इलनेस को दूर करने के लिए. एंड द प्रीस्ट इन चार्ज हैड द एडवांस्ड नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड ह्यूमन अनाटमी. जो प्रीस्ट इन चार्ज था उसको मेडिसिन की एडवांस नॉलेज होती थी और ह्यूमन अनाटमी की. नाउ इन द फील्ड ऑफ बच्चे मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में वो क्या करते थे? उनका मैथमेटिकल बेस था 10. दे ऑलवेज यूज द थिंग्स विद द मल्टीपल ऑफ 10. जैसे नंबर 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख. ये सभी उनकी यूनिक राइटिंग स्टाइल थे. और हर नंबर जैसे 1 and 2 वर डिपिक्टेड विद द सिंपल स्ट्रोक. जैसे हम सिंपल लाइन डाल के ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया. एंड इन चीज़ों को डिनोट करने के लिए वो जीरो का इस्तेमाल करते थे.
While constructing pyramid, other monument, calculation of area and volume, triangle, circle, hemisphere were done. Accuracy of space and structure of the pyramid. जब इन लोगों ने pyramids या monuments या कुछ भी बनाए तो जितना भी field है उसका area इन्होंने बिल्कुल accurately measure करके उन structures को बनाया. Then there is invention is with paper. The Egyptian made paper and ink. Papyrus weed found in abundance along Nile River was used to make paper for writing. Egyptian लोगों ने paper and ink की invention की, इन्होंने use किया. Papyrus को ये use करते थे paper बनाने के लिए. Papyrus की छोटी छोटी sheets को process करके फिर इकट्ठा उनको paste कर दिया जाता था जिससे बहुत बड़ी बड़ी sheets बनाई जाती थी. और plants के juice हैं जो different colored plants हैं उनके juice को as ink जो है use किया जाता था. Then in the hand what do we have decline of Egyptian civilization. अब Egyptian civilization का decline कैसे हुआ? The glory of Egyptian civilization began to decline around 1100 BCE. 1100 BCE के आसपास Egyptian civilization decline होनी शुरू हो गई. Fall of pharaohs was certain as their rise has been spectacular. ठीक है, जो pharaohs का fall out है बच्चे वो एकदम से हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत flourish life जी थी. Egyptian ने अलग अलग तरह की invasion सही जैसे Babylonian की, Assyrians की and Persians की. उनकी आर्मी जो है उनके पास इतने हथियार नहीं होते थे कि वो अपनी एंटी आर्मी को हरा या डरा सकें. तो इवेंचुअली क्या हुआ, 332 BCE में अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर भी कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट द किंग ऑफ मैसिडोनिया कंकर्ड इजिप्ट. जो कि मैसिडोनिया का किंग था उन्होंने इजिप्ट पे अटैक कर दिया. उन्होंने अपनी नई कैपिटल वहाँ पे बसाई, दैट इज कॉल्ड अलेक्जेंड्रिया. उसको नाम दिया अलेक्जेंड्रिया. पटोलमी जो अलेक्जेंडर की आर्मी में जनरल था उसने खुद को इजिप्ट का फैरो घोषित कर दिया. दीज टॉलमिक डायनेस्टी रूल्ड इजिप्ट फॉर अनदर 3 years. जब पटोलमी ने खुद को इजिप्ट का फैरो शो कर दिया तो आने वाले 300 सालों तक पटोलमिक डायनेस्टी ने इजिप्ट पे रूल किया. और 30 BCE में जब रोमन एम्पायर ने इजिप्ट पे अटैक कर दिया तो ये क्या बन गई, रोमन प्रोविंस बन गई. तो अगर हम इसका टेबल चार्ट देखें, जैसे 4000 BCE में 3500 में इनका स्टार्ट हुआ, यानी कि 3500 से 300 तक इनकी डायनेस्टी का राइज होना शुरू हुआ. तो यहाँ से लेके 3000 से 2000 तक ओल्ड किंगडम पीरियड रहा. देन 2000 से लेके 1500 से थोड़ा ज़्यादा मिडल किंगडम रहा. 1500 से लेके 1000 तक वी हैव न्यू किंगडम. ठीक है, और 1000 के आसपास इजिप्शियन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन शुरू हो गया. एंड आफ्टर 500 इजिप्शियन एम्पायर है जो वो ख़त्म हो गई जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 332 BCE में इसके ऊपर अटैक कर दिया था. नाउ वी हैव द मेन बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज ओरिजिन एंड लोकेटेड, मेन फीचर, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डिक्लाइन. दिस इज ऑल द समरी ऑफ द चैप्टर टू गो थ्रू. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.